आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सनातन धर्म के बारे में अगर उन्होंने बोला है तो गलत बोला है और याचिका दायर होनी चाहिए। भाई हमारे नेताओं के जो बच्चे हैं ना विदेशों में पढ़ते हैं, इन्हें नहीं पता धर्म क्या चीज है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से लगातार चर्चा में छाए हुए हैं उदयनिधि स्टालिन, साथ साथ में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था सनातन धर्म एक बीमारी है, इसकी रोकथाम नहीं करनी, जड़ से खत्म करना चाहिए इसको। उसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने जो है वो समर्थन किया था, तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों पे याचिका दायर हुई है, केस रजिस्टर करवाया गया है कि जिस तरह से बोला गया है वो गलत है, सनातन खत्म करना गलत बात है। तो आइए जान लेते हैं जिस तरह से धर्म को लेकर बात कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या लगता है? इस सनातन धर्म के बारे में अगर उन्होंने बोला है तो गलत बोला है। हाँ। और याचिका दायर होनी चाहिए। हाँ। और जो भी सजा मिले वो मिलने चाहिए उनको। क्या लगता है जिस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से गलत बोला उन्होंने, गलत बोला उन्होंने? हाँ। तो क्या लगता है किसी के कहने से क्या सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, एक के कहने से सनातन खत्म हो रहा है क्या? एक के कहने से नहीं खत्म हो रहा है। हाँ। तो क्या वजह है इस तरह की, ये जो टिप्पणियां करते हैं, जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, क्या वजह है, क्यों बोला जाता है कि हम सुर्खियों में रहें? अच्छा। इसलिए वो बोला कि उन्होंने सुर्खियों में रहें। अच्छा। न्यूज में छाए रहे इसलिए बोला उन्होंने। अच्छा। जानकारी कुछ नहीं है उनको। अच्छा, जानकारी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो साथ साथ में ये भी कह रहे हैं मैंने जो भी कहा है गलत नहीं कहा, मैं हजार बार बोलूंगा। भाई 1000 आदमी को अलग कर दो, 1000 उनको अलग कर दो, वो गलती आदमी हर आदमी बताएगा इस बात को गलत कहा उन्होंने। जो गलत हो तो गलत ही कहेगा ना। तो क्या लगता है जो उनपे याचिका दर्ज हुई है उनपे याचिका दायर की गई है और साथ साथ में क्या है केस भी चलेगा, तो क्या लगता है क्या कुछ सामने नजर तो आएगा? जो हुई हो वो गलत तो है ही है ना। हाँ। सजाएं होगी उन्हें जो भी होगा। हाँ। लगता है सजा लगता होगी? हाँ, होगी। स्टालिन तो एक क्रिश्चियन है, वो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे है उनके बेटे ने भी समर्थन किया उनका? हाँ, तो वो उसकी अपनी राय है, उसका अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, वो कुछ भी कह सकता है कोई भी आज के वक्त में। अच्छा, धर्म के लिए भी कोई कुछ भी? देखो, ये हिंदुस्तान है। हाँ। समझिए जी। हाँ। यहाँ आदमी कुछ भी बोल सकता है, यहाँ किसी की जबान पे कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री बोलते बोलते भूल जाता है, मुख्यमंत्री बोलते बोलते अच्छा भूल जाते हैं। हाँ, जाना किसी लाइन पे चले जाते हैं दूसरी लाइन पे। तो ऐसी स्टालिन है, वो भी एक उप मुख्यमंत्री का बेटा है। हाँ। वो कह रहा है कोई बात नहीं, कहने दो। अच्छा, कहने दो। हाँ, कहने दो उसको जो कह रहा है। अच्छा। क्योंकि वो एक क्रिश्चियन बंदा है, वो क्या कहेगा? हाँ। उसको पता नहीं सनातन धर्म के बारे में। हाँ। पहले उसको ले जाओ कुछ पंडितों में, उसको ज्ञान दिलवाओ। अच्छा। फिर उसे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा जब वो बताएगा सनातन धर्म क्या है। जब बताएगा वो सनातन धर्म क्या है। अच्छा। अभी उसे पता नहीं है, पहले पढ़ाना पड़ेगा सनातन क्या है। भारत में रहते हैं, किसी भी पंथ के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको पता होता है कि क्या होता है। जो भारत में नहीं रहता उसको क्या पता है? स्टालिन भारत में रहता है, तमिलनाडु कहाँ आता है? ऑक्सफोर्ड में रहा है वो। अच्छा। पैदा यहाँ से पैदा हुआ, 6 साल का चला गया। अच्छा। 30 साल बाद वो आया। अच्छा। उसको क्या पता भारत में क्या होता है क्या नहीं होता है? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मतलब सीएम के बेटे हैं लेकिन नहीं पता, उनको नहीं बताया? भाई हमारे नेताओं के जो बच्चे हैं ना विदेशों में पढ़ते हैं, इन्हें नहीं पता धर्म क्या चीज है यहाँ पर। हाँ, ये क्रिश्चियन धर्म को फॉलो ज्यादा करते हैं, किसी का भी बेटा हो। अब अमित शाह के बेटे को देख लो। हाँ। अब वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, क्या उन्हें क्रिकेट खेला कभी लाइफ के अंदर? अच्छा। कभी नहीं खेला। अच्छा। इसी तरह स्टालिन ने, उसे सनातन धर्म के बारे में पता नहीं, फॉरेन कंट्री में पला बड़ा है। हाँ। और क्या कह सकते तो बोल सकता है मतलब। क्या उसे पहले पढ़ाना पड़ेगा ना। अच्छा, सनातन धर्म क्या है क्या नहीं? क्या लगता है सनातन धर्म पढ़ाना पड़ेगा? बोलने के पहले सोचना चाहिए ना हम क्या बोल रहे हो किसी को। भाई हम खड़े हैं सामने, हम इनको गाली दे देंगे क्या? क्यों दे देंगे गाली? गाली देंगे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा क्या उस पर? गलत बोला उन्होंने, गलत बोला। हाँ। वो कह रहे पहले पढ़ाना पड़ेगा, तो क्या लगता है अब जो पढ़े पढ़ाए हैं? हाँ। वो पढ़े पढ़ाए हैं, उन्हें कुछ नहीं पढ़ाना है। अच्छा, तो उनको सब पता है? सब पता है। तो बोला गया जान करके बोला? जान करके बोला गया उन्हों, वो जान करके बोला है। अच्छा, जान करके सुर्खियों में रहूं। अच्छा। हाँ, तो क्या कुछ इन पे आगे जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं क्या कुछ फर्क? इसीलिए उन्हें बोला कि मैं सुर्खियों में रहूं, मुझे लोग देखते रहें। अच्छा। कि कुछ ना कुछ बोलते रहूं। अच्छा भाई, हटके सबसे हटके बोलोगे जब भी सुर्खियों में रहोगे ना। अच्छा, सबसे हटके बोलोगे, सिंपल बोलोगे तो कौन रखेगा आपको सुर्खियों में? अच्छा, जैसे अभी सर कह रहे थे कि पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, इस तरह कोई बोलेगा तो सुर्खियों में रहेंगे। अच्छा, तो ये भी सुर्खियों में? हाँ, रहेंगे, ये भी रहेंगे सुर्खियों में। ये भी सुर्खियों? हाँ। जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर स्टालिन ने बोला है, उनपे याचिका दायर की गई है, क्या आगे निकल के आता है उनकी याचिका में ये तो वक्त तय करेगा। आपके क्या सुझाव है? अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।